وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ. तो चलिए लियोस, आप लोगों के लिए देखें ये कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं. तो कमिंग वीक के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है सेवन ऑफ सोल्स. और जैसे कि आप इस कार्ड में देख पा रहे हैं, ये फिगर भाग रही हैं. और इसी तरीके से हो सकता है कि इस वीक आप किसी चीज़ से भाग रहे हैं. अब देखिए, ये जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा. ओवरऑल के लिए ये कार्ड कहता है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं. लेकिन जैसे कि अभी मैंने आपको कहा कि ये जनरल रीडिंग है, कुछ के लिए हो सकता है आप अपनी फीलिंग से, अपनी इमोशन से भाग रहे हैं. कुछ के लिए हो सकता है कि आप काम से भाग रहे हैं. अब देखिए, जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने कहा, लेकिन फिर से कहूँगी, सबके लिए डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं जिनसे आप एस्केप कर रहे हैं. यस, एस्केप इज़ द राइट वर्ड. यानी कि आप अपफ्रंट होकर चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं. और अगेन, रीज़न सबके लिए डिफर करेंगे, लेकिन कितनी बारी होता है ना, हमें लगता है कि हम कन्फ्रंट करेंगे इस चीज़ को तो फिर हम परेशान होंगे और हम हर्ट हो सकते हैं. एक फियर हमारे मन में होता है, इनसिक्योरिटी होती है, और इसीलिए ये कहीं हम, फिर से मैं कहूंगी, अपफ्रंट होके चीजों को नहीं डील करते हैं. जब भी हम ऐसा कर रहे होते हैं ना, तो हम सरफेस लेवल पे या फिर टेम्परेरली बहुत सारी चीजों को अवॉइड करके परेशानी को कहीं अवॉइड कर रहे होते हैं, लेकिन बैक एंड पे ना चीज़ें बढ़ती रहती हैं और एक दिन ये इतनी बड़ी हो जाती हैं कि हम चाह कर भी उनको नहीं इग्नोर कर पाते हैं और फिर हम बहुत परेशान होते हैं. तो यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि भागना चीज़ों से इज़ नॉट द सोल्यूशन, उनको फेस करना ही सोल्यूशन है. तो भागिए मत, फेस करिए. और थोड़ा सा या तो आप मैनिपुलेटिव हो रहे हैं, आप थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली चीज़ों से डील कर रहे हैं, या फिर कोई इंसान हो सकते हैं जिनके मोटिव्स आपके लिए ठीक नहीं है, इंटेंशंस ठीक नहीं है, वो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं. और अगर किसी पे भी थोड़ा सा भी आपको डाउट इस वीक हो, तो आप सतर्क रहें, कॉशियस रहें. क्योंकि कितनी बारी होता है ना कि हमारा मन कह रहा होता है कि भाई ये बंदा ठीक नहीं है, एक आवाज़ अंदर से आ रही होती है, लेकिन हम उस आवाज़ को इग्नोर करते हैं. और फिर बाद में जब चीज़ें ख़राब होती हैं या फिर उनके साथ हमारा एक्सपीरियंस ख़राब होता है, फिर हम बड़ा रिग्रेट करते हैं, यार मेरे को पहले ही लग रहा था कि ये ठीक नहीं हो रही है चीज़, मैंने उस टाइम पर क्यों नहीं अपने मन की आवाज़ सुनी, अपनी इंट्यूशन को सुना. तो अपनी इंट्यूशन को भी सुने. कोई भी चीज़ अगर आपको ठीक ना लग रही हो या कोई इंसान ठीक ना लग रहा हो, तो फिर से कहूँगी, कॉशियस रहें. ब्लाइंड ट्रस्ट इस वीक किसी पर भी ना करें. एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए विस्ता का कार्ड है. इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो एंड ऑरेंज इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे. एंड सिग्निफिकेंट डेज होंगे थर्सडे एंड संडे. तो ये था लियोस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल. और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए. करते हैं आपको हम अक्टूबर के सेकंड वीक में. सबसे पहले तारीखें ज़रूर नोट कर लीजिए. 7th of October से शुरू होएगा हॉरोस्कोप और हम इसे क्लोज करेंगे 15th of October के ऊपर. और जोन बी का पहला सितारा लियो यानी के बुर्ज असद के जो लोग हैं, अनफॉर्चुनेटली जिनके पास अपनी तारीख पैदाइश अगर नहीं है, अगर आपका नाम उर्दू में मीम से, इंग्लिश में एम से अगर आपका नाम शुरू होता है, तो आप इस सितारे से अपनी डायरेक्शन, अपनी कोई आगही बिल्कुल आप या आपकी मदद करेगा. सबसे पहले हम आएंगे ये हफ्ता कैसा रहेगा. 7th, 8th और 9th of October ये तारीखें तो लियो सपोर्ट कर रही हैं. वक्त गुजारिए अपने लव्ड वन, रोमांस एरिया में, क्योंकि ये सितारा सपोर्ट कर रहा है. आपके बच्चों वाले हाउस में इस सितारे की सपोर्ट नज़र आ रही है. बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, बच्चों के मामलात आपके इस हल होते हुए सिचुएशन जो है वो एक नज़रिया समझ आ रही है. 10th और 11th October ये दो तारीखें कुछ प्रेशर इंडिकेट कर सकती हैं. कमर की दर्द का ध्यान रखिए, थोड़ा लथार्जिक फील कर सकते हैं, या वर्कलोड आपको ज़रा सा डिस्टर्ब ना करके जाए, तो यहाँ पे अपना, इन तारीखों में अपना अपने ख़ास तौर पे ज़रा ध्यान रखिएगा. उसके बाद 12th और 13th of October ये दो तारीखें ठीक हैं अल्लाह के फजल से.
थोड़ा सा घर के फ्रंट पे अमन है, सुकून है, तो यहाँ पे ये दो तारीखें जो हैं हमें आपके लिए पीसफुल नज़र आती हैं। 14th और 15th, इसमें तो आपने ख़ास तौर पे लियोस अपने पैसों के साथ खर्चने से पहले उसका कुछ हिस्सा आपने कहना है कि ये मैं अल्लाह की राह में दे दूँगा या दे दूँगी, ताकि मेरा रब ना करे कि किसी भी फजूल खर्ची से ना आपको गुजरना पड़े या बाद में पछताना ना पड़े। और अपनी कीमती चीज़ों का भी ध्यान रखिए कि कोई फाइनेंशियल लॉस आपको कोई ट्रिगर ना हो, तो अपना ज़रा ध्यान रखिएगा 14th में और 15th ऑफ अक्टूबर में। उसके बाद जो एक सितारा जो है बहुत प्यारा हुआ हुआ है, ये आपकी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स को पूरा कराएगा, ये आपके मुआमलात को रोमांस से रिलेटेड, आपके मुआमलात को आपके बच्चों से रिलेटेड, आपके मुआमलात को आपकी दुनियावी ख्वाहिशात से रिलेटेड सपोर्ट करेगा। तो इससे मुस्तफीद हों, इन्जॉय करें, यहाँ पे ये रिलैक्सेशन की खबर हमें ये देता है। अब जो वार्निंग जोन है ना, वो है मेरे लियोज स्टूडेंट्स के लिए, बहुत जान मारिए, दिमाग के ऊपर प्रेशर रहेगा क्योंकि एक सितारे ने पंजे गाड़े हुए हैं, तो ये हर्डल क्रिएट करेगा, कश्तियाँ जलानी पड़ेंगी लियोस पढ़ने के लिए, अपनी हस्ती की नफ़ी करनी पड़ेगी पढ़ने के लिए। इसी तरह अगर तो पेपर वर्क किसी भी किस्म का अगर है, कोई फाइल है, कोई कोर्ट कचहरी से रिलेटेड है, कोई वीज़ा से रिलेटेड है, अगर तो पोस्टपोन या पेंडिंग में डाल सकते हैं तो अभी थोड़ा सा डाल दीजिए डिले वाले डिलेमा के अंदर, क्योंकि या फिर बहुत विजिलेंट हो के अपने फॉर्म अपनी चीज़ों को फिलअप कीजिए ताकि कोई रिजेक्शन या इन चीज़ों से आप बच सकें। इंटरनेशनल या नेशनल ट्रैवल अगर आपने करना है, आप सदका देके बिस्मिल्लाह करेंगे, सदके से अपने ट्रैवल की बिस्मिल्लाह करोगे आप, ताकि अल्लाह पाक आपको किसी भी मुश्किल से अपनी अमान में रखें। उसके बाद जो है आपका रिलेशनशिप एरिया, आपकी डोमेस्टिक ट्रैवलिंग शायद बढ़ गई हो इन दो तारीखों से, एक थी 23rd अक्टूबर, दूसरी थी 27th ऑफ अक्टूबर, इन दो तारीखों से शायद आपकी डोमेस्टिक ट्रैवल बढ़ गई हो, और हो भी सकता है कि अल्लाह पाक ने आपको यहाँ पे जो है आपकी ट्रैवलिंग बढ़ाने के लिए जो है वसाइल भी आपके आ गए हों, और ये ट्रैवलिंग आपकी फ्रूटफुल भी हमें नज़र आती है। इस वक्त चाहे आपने किसी अपने काम की गर्ज से सफ़र करना है लियोज, या आपने अपनी कोई रिश्तेदारियों की नीयत से ट्रैवल करना है, सितारे की सपोर्ट हमें आपके साथ जो है वो नज़र आती है। उसके बाद जब मैं देखती हूँ तो आपका जो फैमिली एरिया है, जो आपका फैमिली हाउस है, उसमें सितारे की पोजीशन बड़ी प्यारी है, यानी आपका होमलैंड का सुकून अल्लाह पाक आपको रास आए, अपने घर और घर वालों का सुख इस वक्त आपको नसीब हो। हो सकता है बहुत सारे लियोज अपने घर को सजाने के लिए उसकी तज़ीनो आराइश में कुछ नए पंगे नए काम करें, क्योंकि लियोज अपने घरों को बहुत खूबसूरत बनाने पे ज़ोर देते हैं, और अगर इनको ज़िंदगी में कुदरत मौका दे, ये वाकई बड़े खूबसूरत घर बनाते हैं। तो ये जो है इस वक्त तो सितारा भी आपको यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है। तो ये था जी मेरे लियोज के इस हफ्ते के सितारों के हालात। अब हम चलते हैं वर्गो यानी बुर्ज सुंबला।